हेलो दोस्तों, मैं नाम सुमित कटारिया। तो भाई आज है हमारे साथ में वेन्यू का एस ऑप्शनल डीसीटी टर्बो वेंट। अब यार ये गाड़ी ना उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जिन लोगों को एक पावरफुल इंजन चाहिए, क्योंकि भाई इस गाड़ी के ना टर्बो इंजन आपको मिल जाता है। डीसीटी है तो आपको पता है डुअल क्लच, आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाता है जिसकी वजह से भाई आपको पावर लैग महसूस भी नहीं होने वाला है। तो भाई ये ना वेरिएंट काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स के तो साथ में तो आते हैं, क्योंकि एस ऑप्शनल जो वेरिएंट है ना, अगर आप नॉर्मल 1.2 लीटर के अंदर लेते हैं जो कि भाई ये है, तो वहाँ पे आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बट ये एस ऑप्शनल डीसीटी टर्बो वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आपको रियर में वाइपर आपको मिल जाएगा, 16 इंच के आपको हाइपर स्टार रिम्स मिल जाते हैं जो कि भाई पूरा आपको यहाँ पे अलॉय वाला फील देंगे। अभी मैं कह रहा था कि ये अलॉय है, जब पास में आके देखा तो भैया यहाँ पे प्लास्टिक का ये देखा है। क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी खासा चीज़ है, क्योंकि भाई क्रूज़ कंट्रोल की आजकल ना नीड हमें जो पड़ती है हाईवेज़ पे। बाकी जो इस गाड़ी के प्राइस स्टार्ट कर लेते हैं, 11,51,000 रुपीज़ की आपको जो एक्स शोरूम मिल जाती है गाड़ी। मैं हूँ फिलहाल सनमति हुंडई मेरठ के अंदर नहीं मुजफ्फरनगर के अंदर, क्योंकि मैं मेरठ के अंदर रहता हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो मुजफ्फरनगर के अंदर ये गाड़ी आपको जो है 11,51,000 एक्स शोरूम पर मिल जाएगी। बाकी जो है ऑन रोड प्राइस के लिए आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डीलरशिप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो इस गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको डार्क क्रोम मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा खासा लुक देता है। भाई वेन्यू का जो लुक है ना, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है, मतलब बोल्ड और मस्कुलर लुक मिल जाता है। जब से इस गाड़ी का फेस शिफ्ट हुआ था ना 2022 में, जब से यार इस गाड़ी के जो फ्रंट लुक और रियर लुक काफ़ी अच्छा खासा एक बोल्ड और मस्कुलर हो गया था। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिलता है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एलईडी प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी आपको डीआरएस मिल जाती है, प्लस आपको जो है यहाँ पे कॉर्निंग फंक्शन भी दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो है फंक्शन भी करता है। फॉग लैंप्स अब भाई किसी भी हुंडई की गाड़ियों के अंदर नहीं आ रहे, एक दो गाड़ियों के अंदर आ जाते हैं जैसे कि i20 N-Line के अंदर आ रहे हैं, बट मेजरली किसी गाड़ी के अंदर नहीं आते। अगर आप देखेंगे ना, ना ही एक्स्ट्रा के अंदर आ रहे ना ये, तो कोई भी भाई अब फॉग लैंप्स नहीं आ रहे। बट कहीं ना कहीं यार आज के टाइम में ज़रूरत तो पड़ती है। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ उस गाड़ी की, तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाती है, 1770 mm की विड्थ, और व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ 2500 mm का मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई रियर सीट का कम्फर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों में मिल जाते हैं रियर सीट पे, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट इस गाड़ी की दी है। जब मैं बैठूंगा तब मैं आपको जो दिखा दूंगा। अब जो है इस गाड़ी के साइड लुक की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। डीसीटी की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है जो कि भाई ये है। और अगर मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो 16 इंच के आपको हाइपर स्टाइल रिम्स मिल जाते हैं जो कि सेक्शन रहने वाला है 215/60/16। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो लुक है ना काफ़ी बढ़िया आ रहा है। मतलब ये अगर आप साइड लुक देखो इसकी, ठीक है, ये एस ऑप्शनल डीसीटी की है, और अगर आप एस ऑप्शनल सिंपल 1.2 की देखोगे तो वहाँ टायर सेक्शन देखो, तो कहीं ना कहीं यार टायर से काफ़ी जो है फ़र्क तो पड़ता है। ये देखो भाई काफ़ी अच्छा खासा जो है रगेड लुक आ रहा है इस गाड़ी का। बाकी ओरेंज से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ अगर मैं देखूँ एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, तो भाई इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहने वाले हैं, ऑटो फोल्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, बी पिलर ब्लैकआउट, और सी पिलर आपको यहाँ पे ये दिए गए जो कि भाई बॉडी कलर के अंदर रहने वाला है। रूफ रेस आपको मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता, और ये जो आप रेन वाइजर्स देख रहे हैं ये एक्सेस तौर पर लगाए गए हैं। बाकी डोर हैंडल्स आपको जो है बॉडी कलर ही रहने वाले हैं। तो ये तो कहानी रही इस गाड़ी के साइड लुक के बारे में। अब जो इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ चलते हैं, तो यहाँ आप ये लुक दे सकते हैं। टर्बो की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि टर्बो वेरिएंट है, 1 लीटर का इसका अंदर टर्बो इंजन आता है। बाकी बैक लैंप आपको यहाँ मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स आपको ये मिल जाते हैं, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा खासा जो है फंक्शन करते हैं। अगर मैं आपको ग्लो करके दिखाऊँ तो भाई आप खुद ही देखना। तो भाई ये देखो कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल ओवर इस गाड़ी का जो लुक है ना काफ़ी बढ़िया आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स वाला जो मतलब ट्रेंड चला है ना, वो इसी से चला है, क्योंकि भाई इसी गाड़ी के अंदर सबसे पहले आया था। बाकी एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, और इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है, वेन्यू की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, टर्बो का अपना जो है यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है, रिवर्स कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर स्किड पैड अवेलेबल है फ्रंट में भी और रियर के अंदर भी। दो पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, और बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं, उससे पहले ये तो बता दूं, रियर डिफॉगर आपको मिल जाता है, वाइपर आपको दे रखा है, और वॉशर आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है जो कि ये है। तो रियर डिफॉगर वॉशर वाइपर आपको मिल जाता है, हाई रूस प्रॉब्लम आपको मिल जाता है, और शार्पिन एंटीना आपको जो है दिया गया है। बाकी जो इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं,
तो 350 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं बात करूँ पार्शियल ट्रे की, तो ये भी आपको दे रखी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, 60-40 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी का आप रियर सीट का रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया है। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूँ, तो भैया अपना वही अपना 15 इंच का स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई ऐसा ऑप्शन में जो आता है ना, वो साइज़ आपको मिल जाता है। ऊपर आपको ट्रिम मिल जाती है, जिसके से कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं है। और यहाँ पे लैंप है ना, आपको हेलोजन के अंदर दिए गए। इसे करते हैं बंद और जो इस गाड़ी के रियर डोर की तरफ चलते हैं, तो रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर। डुअल टोन आपको ट्रिम मिल जाती है, पावर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक बॉडी स्पेस, पीएल, 4 स्पीकर, 2-2 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिए गए। बाकी सैटन सिल्वर की आपको फिनिशिंग मिल जाती है, लॉक अनलॉक का यहाँ पे बटन दे रखा है। सीट की मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छी खासी आपको सीट मिल जाती है, और इसका रिक्लाइन भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ये है तो भाई ये काफ़ी अच्छी खासी चीज़ है, मतलब आप इसका रिक्लाइन एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। भाई ज़्यादा करना तो ऐसा कर लो, पीछे पूरा करना तो ऐसे कर लो, तो ये ना काफ़ी बढ़िया फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी आपको फैब्रिक सीट्स आपको दी गई है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो हाँ, फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों मिल जाते हैं। और भाई कंफर्ट एक नंबर आपको मिलने वाला, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा खासा, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा, और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। बाकी टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है, सैटन सिल्वर, रियर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और तीनों ग्रेविटी आपको मिलते हैं। लैंप आपको बीच में दे रखा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट सीट पर मिल जाते हैं। डोर टोन आपको इंटीरियर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपको इंटीरियर दे गया है। अब जो इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेते हैं, तो फ्रंट डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो डोल टोन आपको जो है भाई ट्रिम मिल जाती है, सैटन सिल्वर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर प्लेसमेंट, स्पीकर प्लेसमेंट आपको मिल जाता है, 4 स्पीकर, 2-2 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, और 4 पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको वर्ड्स में मिलने वाले हैं, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी खासी आपको सीट दी गई है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते। बाकी ESP हील्ड होल्ड जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स हैं। और आइलिंग सॉफ्ट लॉक का बटन, हेडलाइट लेवल, सैटन सिल्वर आपको जो है इसी इवेंट पे, और पैनल ब्लैक फिनिश भी आपको दे रखा है। अब यार हुंडई की जो प्लास्टिक क्वालिटी ना, आपको टॉप नॉच मिलने वाली है, कोई भी पैनल गैप आपको नहीं मिल रहा, काफ़ी अच्छा खासा मैकेनिज्म है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी जो है भाई, अब इस गाड़ी का स्टेयरिंग देखते हैं, तो स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता ही है, बटरफ्लाई इंस्पायर्ड आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आपको रहने वाला है, और अपना जो है पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि भाई ये है तो भाई DCT है, तो पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। बाकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलने वाले। हुंडई का लोगो आपको यहाँ पे मिलता है, और एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ, टिल्ट मिल रहा है आपको, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता। क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले की आपको मैं दिखाता हूँ, की आपको मिलती है ये, एक बेसिक की, एक फ्लिप की, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन का बटन आपको जो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई ये है। बाकी जो है इसे करते हैं ऑन, हो जा, और क्लस्टर देखते हैं। भाई ये बड़ा गलत सीन होता है मेरे साथ, ये पहले बच जाता है। तो भाई ये आप देख सकते हैं, क्लस्टर आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको क्लस्टर मिल जाता है, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको वही स्पीड मीटर, यहाँ पे RPM मीटर, बीच में MID, जिसके अंदर ट्रिप ए ट्रिप बी जो आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको जो है ऑन करके दिखाऊं, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू MT, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है, तो ये आप जो कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको जो हाईलैंड वाला मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। और ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि एस ऑप्शनल 1.2 के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेरिंग मॉनिटर कंट्रोल मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट कंट्रोल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी यहाँ आते तो यहाँ पे आपको जो है 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 4 स्पीकर 2-2 के साथ में आता है, काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के साथ में आता है। एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। सैटन सिल्वर आपको यहाँ पे दे रखा है, जो कि भाई ये इसे करते हैं बंद, क्योंकि भाई बैटरी डाउन हो जाएगी गाड़ी की। मैनुअल AC मिलता है, USB पोर्ट, और यहाँ पे आपको जो है 12 वॉट का आउटपुट, टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, दो पीछे मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है भाई ये DCT मिल जाता है। बाकी ड्राइव मोड्स आपको मिलता है, ड्राइव मोड्स में आपको जो दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई कलर चेंजिंग इफेक्ट के साथ में आता है ना, तो भाई इको पे ये ग्रीन हो गया, सिटी पे रेड हो गया, और भाई नॉर्मल पे अपना जो है ये ब्लू हो गया, तो ये फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और भाई स्पोर्ट पे रेड, मतलब अलग ही मज़ा आ रहा भाई, ये ना बढ़िया फीचर यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो है इसे बंद कर देते हैं, और
दोबारा से अपने यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो काफ़ी अच्छी खासी सीट मिल जाती है और दो कप होल्डर की स्पेस आपको मिल जाती है, आमरेस आपको मिल जाता है और यहाँ पे भाई किसी की मूँगफली रखी है तो छोड़ देते हैं, छोड़ो बाकी ग्लव बॉक्स आपको जो अच्छा खासा मिल जाता है और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं काफ़ी यूटिलाइज हो जाती है, मतलब कोई कोटा सेट पर अगर बैठा है ना अपना फ़ोन जो है आराम से रख सकता है। बाकी जो है कोटा सेट आपको जो वेंटीमीटर मिल जाता है, आईआर में आपको डे नेट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर जो कि भाई ये है, और माइक आपको मिलता है, आगे आपको कोई भी लैंप नहीं मिलता बट कंपनी ने ऑप्शन दे रखा आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको जो कोई भी वेंटीमीटर का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया गया। तो भाई ये तो बात रही ऑल ओवर इस गाड़ी के, यहाँ पे इंटीरियर के बारे में एक्सटीरियर के बारे में, अब जो इस गाड़ी के थोड़े से सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EVD, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, व्हीकल सेफ्टी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स तो भाई अब इस गाड़ी के तो स्टैंडर्ड आ गए। तो ये तो बात रही इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, अब जो इस गाड़ी की वारंटी के बारे में बात कर लेता हूँ तो 3 साल 1,00,000 किलोमीटर्स की आपको जो वारंटी ऑफर करती है हुंडई इस गाड़ी के साथ में। तो भाई ये तो सारी मैंने आपको कहानी बता दी, अब जो सीधा इंजन की तरफ चलते हैं। आपको जो 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है इस गाड़ी के अंदर जो कि 120 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 172 Nm का टॉर्क। माइलेज की मैं बात करूं तो कंपनी 18 का क्लेम करती है बट कहीं ना कहीं आपको सिटी के अंदर 12-13 हाईवे आपको जो है 16-17 आराम से मिल जाएगा, बाकी डिपेंड करता है कि आप जो किस तरह गाड़ी चलाते हैं आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। और टर्बो GDI इंजन है तो भाई काफ़ी अच्छा खासा आपको पिकअप भी मिलने वाला है, DCT है तो आप पावर लैग आपको नहीं मिलने वाला और भाई फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। 11,51,000 की आपको जो ये एक्सशोरूम मिलती है और डीलरशिप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आपको इंसुलेशन नहीं मिलती क्योंकि भाई काफ़ी अच्छा खासा रिफाइंड इंजन आपको मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन है बट भाई नेचर 4 सिलेंडर वाला है इसका रहने वाला है, बैटरी आपको यहाँ मिलती है। तो ये थी आपकी वेन्यू DCT टर्बो वेरिएंट एस ऑप्शनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।